नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी अभी जो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और प्रॉपर एक हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि हर सब्जेक्ट में आपने कितने क्वेश्चन कर सकते थे, कितने नहीं कर सकते थे, पार्ट ए का क्या रोल रहेगा, पार्ट बी का क्या रोल रहेगा, ठीक है। तो इन सब बातों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं फिलहाल जितने भी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं उनके मैं रिव्यू लेके आ रहा हूँ, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, और ज्यादातर वो मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ्स भी आप कह सकते हो। तो ठीक है, आप और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहला सेक्शन था हमारा पार्ट ए था, तो पार्ट ए में अगर हम मैथ्स की बात करें तो अगर आप मैथ्स का लेवल देखोगे तो मैथ्स का लेवल आप टफ तो बिल्कुल नहीं कह सकते थे, मैथ्स काफ़ी आसान आई थी, जिसमें से अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रखी है तो आप 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, और जिसकी मैथ्स अच्छी है उसने 25 में से 25 क्वेश्चन भी कर दिए हैं, ठीक है। तो मैथ्स तो बिल्कुल ही आसान थी, जैसा सीबीटी वन में मैथ्स थी वैसे ही आपको यहाँ पे फिर से दोबारा मैथ्स देखने को मिल गई थी, तो ऐसा नहीं था कि सीबीटी टू था तो मैथ्स उन्होंने टफ कर दी थी। अगली बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी जो लेवल था आप ये कह सकते हो कि सीबीटी, मुझे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीबीटी वन से भी आसान लगे, ठीक है। अगर आप सीबीटी वन में मेरी बात करें तो मेरा स्कोर सीबीटी वन में 91 मार्क्स थे, ठीक है, तो मेरे सीबीटी वन में 91 मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो मुझे उस लेवल से अब की बार का जो लेवल था ये आसान लगा, ओके। तो रीजनिंग भी कुछ वैसी थी, अगर आपने पढ़ाई करी तो आप आराम से 25 में से 20 या फिर 21 क्वेश्चन आपने कर लिए थे। साइंस की बात करें तो साइंस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से साइंस बनाई गई थी, तो जैसा आपको एक्सपेक्टेड था कि जो फिजिक्स का पोर्शन था वही आना था और वही आया भी, और हाँ न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा थे इसमें, तो जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी थी सिर्फ वो थ्योरी रट के गए थे, तो न्यूमेरिकल होने की वजह से उनको थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ ही हुआ होगा, तो इसकी वजह से थोड़ी कट ऑफ जो है आपकी वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जो सी बी टी वन की साइंस थी वो उतनी टफ नहीं थी क्योंकि इसमें जीके का पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन इसमें जो कि आपका जीके का पोर्शन काफ़ी बड़ा था तो साइंस के जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे मिले थे जो कि ट्रिकी थे, और मोस्ट ऑफ द जो आपके न्यूमेरिकल्स थे उनमें कुछ आपके हीट से थे, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह की बात करी गई थी, और आपका जो काफ़ी बड़ा एक सेक्शन था वो आपका काइनेटिक एनर्जी से था, वेलोसिटी से था, इलेक्ट्रिसिटी से था, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको थ्योरी कम न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा मिल गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो जैसा पता कि मार्केट में कुछ बुक्स थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको ही पता है कि दो ही दिन पब्लिकेशन की बुक्स इसमें काफ़ी चली थी, तो लिटरली मैं बता दूँ मेरा पेपर 22 तारीख को था और 22 को सेकंड मीटिंग में था, उन बुक्स से तो मुझे लगता कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का। पहली बात तो क्वेश्चन ही बहुत कम थे, जो भी क्वेश्चन थे उनमें से कुछ तो आप कह सकते हो आसान थे, बाकी कुछ क्वेश्चन तो कर्व पर बेस्ड थे, ठीक है, तो वो उनको आप मैं टफ की कैटेगरी में डालना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप साइंस की बात करो साइंस आप कर सकते थे, लेकिन जो ड्राइंग का सेक्शन था इसके जो कोर ड्राइंग वाले क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे, तो मुझे नहीं कि उनमें से कोई बच्चे ज्यादा कुछ कर पाए होंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जीके या फिर जीए की, तो लोगों को लग रहा था कि करंट अफेयर्स का ही सेक्शन आएगा, लेकिन 10 क्वेश्चंस में से करंट के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 2 से 3 बहुत ज्यादा रहे होंगे, इसके अलावा उसमें क्वेश्चंस थे ही नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका स्टैटिक में थे, जैसे सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी थी, कहाँ पर है, पहला नोबल पुरस्कार किसे मिला था इंडिया में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल गए थे, तो करंट का तो रोल यहाँ पे ज़्यादा था ही नहीं, ओके। और देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आए थे, पहले हम ये देख लेते हैं, तो मैथ्स में आपका परसेंटेज था, वर्क एंड टाइम था, उसी में आपका पाइप असिस्टेंस भी आ जाता, सीआईएसआई पे क्वेश्चंस थे 2-3, एरिया पे थे क्वेश्चंस, बॉड मास था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस था, और ज्योमेट्री था, तो यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्री का भी, ज्योमेट्री के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें देखने को मिली थी, जो कि बेसिक लेवल की, जो कि 9-10th लेवल की थी, उससे ऊपर लेवल की वो नहीं थी। रीजनिंग की बात करें तो उसमें आपका जो कोडिंग डिकोडिंग थी, सीरीज थी, ब्रेड रिलेशन था, ये सब आपको देखने को मिला, तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। सिलोगिज्म भी था, लेकिन सिलोगिज्म कोई बैंक लेवल का नहीं था, वो ठीक ठाक था, अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आप आराम से अच्छा उसमें कर सकते थे। साइंस की बात करें तो साइंस आपको पता है सिर्फ फिजिक्स ही आई थी, और फिजिक्स में हीट का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, हीट का, काइनेमेटिक्स का ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, तो इसने बच्चों को परेशान किया, बच्चे कह रहे थे कि सेक्शन के बाहर की, सेंटर के बाहर की, न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको आई थी। ड्राइंग की बात करें तो ओवरऑल अगर देखोगे तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस थे, कर्व के क्वेश्चन थे, लाइन के क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस पेंसिल से भी रिलेटेड थे। करंट की बात करें तो करंट आपका 2 से 3 क्वेश्चन था, और स्टैटिक 6 से 7 क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप देखो कि इन टॉपिक से क्वेश्चन उसमें आए थे, तो अभी तक आपने देख लिया कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो अब जब आप सब कुछ देख चुके हैं तो अब हम आते हैं अपनी कट ऑफ पे, कि हमारी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। तो पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एएलपी के लिए कई सारी पोस्टें हैं और उतने ही रीजन से, तो उसकी हम एग्जैक्ट कट ऑफ अभी टेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो आपका टेक्नीशियन का है तो इसमें थोड़ा कंपटीशन तो है भी ज़्यादा, लेकिन इसको प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, ओके। पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद रीजन की, ठीक है। देखो मैं अभी जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं नॉर्मलाइजेशन के पहले की बता रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब आपके 100 में से इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए,
नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स वापस किए, 8 से 10 नंबर तो बढ़ते हैं सबके हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन के पहले के मार्क्स हैं। तो अगर आपने 68 क्वेश्चंस आफ्टर नेगेटिव, अगर नेगेटिव बात आपकी यूआर कैटेगरी में अलाहाबाद रीजन की 68 से ऊपर सही क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छी अच्छी रेस में रहोगे। उसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 63 प्लस मार्क्स बनते हैं तो आप बिल्कुल रेस में रहोगे। वैसे अगर एससी की बात करें, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स बनेंगे तो आप रेस में बिल्कुल हो, और एसटी की बात करते 56 प्लस, तो ये आपके टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ है अलाहाबाद रीजन की बिफोर नॉर्मलाइजेशन। में फिर से कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के पहले की है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके निगेटिव के बाद कम से कम सही होने चाहिए अगर आपको फाइट में रहना है तो, ओके। अगर इसी तरह हम गोरखपुर की बात करते हैं तो अलाहाबाद और गोरखपुर में आपको कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो गोरखपुर में थोड़ी सी कट ऑफ तो अलाहाबाद से कम ही जाएगी। तो वहाँ पे 62 प्लस अनरिजर्व के लिए, 59 प्लस ओबीसी के लिए, 54 प्लस एससी के लिए और 50 प्लस एसटी के लिए। तो निगेटिव की बात नॉर्मलाइजेशन से पहले आपके इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, आंसर की से आपके इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए बिफोर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एएलपी के लिए, तो देखो एएलपी के लिए इतने सारे आपके ट्रेड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ बनती है और इतने सारे रीजन्स है, तो उसके लिए हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं कह सकते। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ क्राइटेरियंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोनाउंस एग्जैक्ट कट ऑफ, बट लेकिन अगर आप यूआर में हैं और आपके 50 क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कट ऑफ 50 से भी कम जाएगी यूआर की, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इतने पे आप अपने कुछ भी ट्रेड लिया हो, कहीं से भी डाला हो, आपका श्योर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो 4-5 नंबर कम, अगर आपके यूआर में 45 के आसपास भी बन रहे हैं, 40 से 45 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप एएलपी में आपका हो जाएगा। लेकिन ये आपका एग्जैक्ट इससे ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगी एएलपी की, आप लिख के ले लो। यूआर के लिए 50 प्लस, ओबीसी के लिए 45 प्लस, एससी के लिए 42 प्लस और एसटी के लिए 40 प्लस, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका एएलपी में पक्का ही पक्का, आपने किसी भी रीजन से भरा आपका कुछ भी ट्रेड रहा हो, ठीक है। तो ये फिलहाल आपकी एक मैंने जो मेरे हिसाब से जो मैंने सेंटर पे लोगों से बात करी थी, मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, लगभग मैं बता दूँ कि मैंने सारे ग्रुप्स, सारे पेजेस, सारे कमेंट सेक्शन में जाकर के मैंने चेक किया है, तो लगभग मैंने, मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर लगभग 5000 बच्चों को ऊपर एनालिसिस करी थी कि किसके कितने मार्क्स कैटेगरी के साथ आ रहे हैं, तो उस पर बेस्ड मैंने एक ये कट ऑफ बनाई है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, ओके। टिल देन बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।